हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरी माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में, कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज पॉलिटिसाइज करके चीजों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की जरूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी, मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने राज्य की जनता के जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूंगी। जितनी भी रुकावटें आए, मैंने, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी, वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से हमें, अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का जरूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीजों से हम लोग घबराने वाले नहीं है, हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।